ब्रिटेन दे विदेश मंत्री वालों यूक्रेन खिलाफ जंग रूस नू चीन दे समर्थन ते चिंता जाहिर करन दे बावजूद चीन ने यूक्रेन खिलाफ इस्तेमाल ले रूस नू आधुनिक हथियार प्रणाली भेजनी शुरू कर दिती है। अमरीका ने हाल च ही रूस दे गारपिया लड़ी दे लंबी दूरी दे आत्मघाती ड्रोन दे विकास अते उत्पादन च शामिल चीनी संस्थावां ते पाबंदियां दा ऐलान किया है। ये पहली बार अमरीकी पाबंदियां हैं जो रूसी फर्मां दे नाल सांझेदारी च सीधे तौर ते पूरी तरह हथियार प्रणालियां दा विकास ते उत्पादन करन वालियां चीनी संस्थावां ते लगाईयां गईयां हैं। इस तो पहला शुक्रवार नूं ब्रिटेन दे विदेश मंत्री डेविड लैमी ने अपने चीनी हमरुतबा नूं अपील कीती है कि वह अपने देश दीयां कंपनियां नूं रूसी फौज नूं उपकरणां दी सप्लाई करन तो रोक देन। लैमी ने शुक्रवार नूं बीजिंग च चीन दे विदेश मंत्री वांग यी नाल मुलाकात कीती। जुलाई विच लेबर पार्टी ते बरतानिया च सत्ता च आउण तों बाद डेविड लैमी चीन दा दौरा करन वाले पहले कैबिनेट मंत्री हन। उन्होंने शुक्रवार नूं चीन दे उप प्रधानमंत्री डिंग जियोंगजांग नाल मुलाकात कीती अते उसे दिन बाद विदेश मंत्री वांग यी नाल भी गलबात कीती। ब्रिटेन दे मंत्री बीजिंग नाल संबंध सुधारन दीयां कोशिशां दे तहत चीन दे दो दिनां दे दौरे ते हन। दरअसल जासूसी दे दोषां यूक्रेन विरुद्ध जंगां च रूस दा समर्थन करन ते हांगकांग च आम नागरिकां दी आजादी दे दमन नूं लै के दोवें देशां दे संबंधां च खटास आ गई है। अधिकारियां ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने जोर दे के कहा कि चीन नाल संबंध व्यवहारिक अते जरूरी हन। बयान च कहा गया कि लामी ने व्यांग नूं चीनी कंपनियां नूं रूसी फौज दी सप्लाई करन अते जांच करन तो रोकन लई सारे उपा करन दी अपील कीती। दस्या गया है कि दोवां देशां दे विदेश मंत्री रूस मुद्दे अते पछमी एशिया च संघर्ष वर्गे होर पूर राजनीतिक मुद्दियां ते गलबात जारी रखन लई सहमत हो गए हन।